नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस, अभी के टाइम अगर देखा जाए तो ऊर्जा ग्लोबल में लास्ट मार्केट पर थोड़ा बहुत उछाल हम लोग को वापस रिवर्सल पर नजर आया था, पर अभी के लिए सवाल यही देखने को मिल रहा है कि मंडे सेशन यानी कि नेक्स्ट सेशन में दोस्तों सर्किट नजर आएगा या फिर लोअर सर्किट, तो वो भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम चार्ट पैटर्न पर किस प्रकार का डेटा देखने को मिल रहा है तो वो भी रीड करने वाले, तो जानकारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले प्राइस के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों लास्ट टाइम प्राइस 20 रुपए 45 पैसे पर नजर आई थी, और लगातार अगर आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छी जंप भी हम लोगों को मिली है। जो लास्ट सिंगल 5 सेशन में अगर देखी जाए तो गिरावट नजर आई, पर लास्ट सेशन पर हम लोग को एक अच्छी उछाल भी नजर आई। पर साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम टेक्निकली जो डेटा है वो किस प्रकार का नजर आ रहा है वो भी आगे जानने वाले हैं। पर उससे पहले अगर हम कंपनी के ऑल ओवर डेटा पर नजर डाले तो मैक्सिमम टाइम का जो रिटर्न निकल के आता है वो 1371% का एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न देखने को मैक्सिमम टाइम पर नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक की प्राइस दोस्तों लिस्टिंग के वक्त काफी वीक थी, पर दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो 2022 के अंदर और 2024 के अंदर तो काफी बढ़िया रैली नजर आई है। पर लास्ट पिछले सिंगल 5 सेशन में अगर देखा सॉरी 5 सालों में अगर देखा जाए तो 677% का एक स्ट्रॉन्ग जंप नजर आएगा। पिछले 1 ईयर की अगर बात की जाए तो दोस्तों 202% का एक स्ट्रॉन्ग जंप नजर आएगा। तो टेक्निकली जो डेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑल ओवर का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न देखने को नजर आया है। पर अभी के टाइम चार्ट पैटर्न पर अगर हम बात करें तो दोस्तों कंपनी का जो कैंडलस्टिक जो डेटा पैटर्न के तौर पर अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक वापस रिवर्सल के तौर पर भी नजर आ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम जो कैंडलस्टिक जो पैटर्न है उसमें भी काफ़ी अच्छा उतार चढ़ाव देखने को नजर आएगा। यानी कि पिछले टाइम दोस्तों मार्केट लगभग दोस्तों ओवरसोल्ड के करीब ऑलरेडी जा चुका था, पर मार्केट में वापस एक बढ़िया रिवर्सल देखने को नजर आया। टेक्निकली डेटा पर दोस्तों काफ़ी बढ़िया सुधार भी हम लोगों को देखने को नजर आया है। तो दोस्तों जो लास्ट कैंडल देखने को नजर आए तो उसमें डोजी कैंडल क्रिएट होती हुई नजर रही है। अब डोजी कैंडल दोस्तों अगर बॉटम पर बने तो अलग उसका रीजन होता है, और टॉप पर अगर बने तो उसका अलग रीजन होता है, तो ये सबसे बड़ा दोस्तों मिथ होने वाला है। तो दोस्तों अभी के टाइम जो बॉटम पर बनी है तो उसका क्या मिथ होने वाला है, तो दोस्तों जो यहाँ पे जो बॉटम पर बनने का जो मिथ यहाँ पे ये होता है कि मार्केट में अगर कंटिन्यूसली गिरावट अगर देखने को मिल रही है और डोजी कैंडल दोस्तों लास्ट जो कैंडल देखने को नजर आती है पिछले वाली कैंडल से ऊपर जाकर अगर क्रिएट हो रही है, चाहे भले दोस्तों कैंडल का रंग कैसा भी हो, ग्रीन या रेड कैसा भी हो, पर दोस्तों अगर डोजी कैंडल अगर बन रही है बॉटम पर अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन सिग्नल है वो हम लोगों को मिलता है, और मार्केट में एक रैली का जो ग्रीन जो अच्छा मौका है वो हमें देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम वही सेशन जो वही कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो यहाँ पे डोजी कैंडल देखने को नजर आई है, क्योंकि दोस्तों जो 20 का सिरा होता है वो यहाँ पे दोस्तों गोल शंकु आकार में होता है, और जो दोनों सिरों जो जो दोनों सिराई जो यहाँ पे जो शाखाएं होती है वो लंबी यहाँ पे होती हैं, तो अभी के टाइम वही संकेत और वही ग्रीन सिग्नल हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी के टाइम मेरा तो पर्सनल सजेशन यही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम लगभग लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्च का महीना भी दी एंड होता हुआ धीरे धीरे वापस नजर आ रहा है, और मार्केट में अभी के टाइम रैली और वैल्यू दोस्तों इस स्टॉक की देखने को फिर से नजर आने वाली है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है टेक्निकल जो ग्रीन सिग्नल वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल से सेलेक्ट कर लेना। और फिलहाल दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के तौर पर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी कम देखने को नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी में जो लगातार दोस्तों जो कंपनी का जो अर्निंग रेशियो है उसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों बढ़ोतरी हम लोगों को नजर आ सकती है, पर अभी के टाइम सेल्स का जो रेशियो है उसमें भी थोड़ी बहुत जो जंप है वो यहाँ पे नजर आएगी। पर अभी जो प्राइस टू बुक रेशियो देखने को मिला तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। पर अभी टाइम टेक्निकली जो ईबीटा की अगर बात की जाए तो ईबीटा में दोस्तों एक बार फिर से ईबीटा की रेट में फिर से बढ़ोतरी हमें वर्तमान डेटा पर नजर आने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम जो ग्रोस मार्जिन है वो भी सेम नजर आए, पर दोस्तों रेवेन्यू का जो सोर्स है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को नजर आई है, क्योंकि कंपनी के पास दोस्तों अभी के टाइम जो इनकम के जो सोर्स है तो उनकी दोस्तों एक बढ़िया कमी कंपनी के पास खलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर 2016 की हम बात करते हैं तो 2016 में दोस्तों जो सोर्स था वो कहीं ना कहीं अच्छा लेवल का नजर आ रहा था। 2019 में आते आते दोस्तों सोलर पावर प्लांट से और यहाँ पे डिक्लेयर सोलर अप्लाई के एप्लीकेशन से दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों काफी हाई लेवल की अर्निंग देखने को नजर आ रही थी, जो लगभग 1.5
50 बिलियन के आसपास रही। पर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 2022 में आते आते दोस्तों बिलियन से दोस्तों मिलियन में वापस देखने को यहाँ पे नजर आई है कंपनी का डेटा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन चीज़ों में उतार चढ़ाव नजर आया, पर अभी टाइम सोलर पावर प्लांट से कंपनी को जो यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है तो उसमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट नजर आई है। 1.48 बिलियन से गिरकर अगर देखा जाए तो 395 मिलियन रुपये ही अभी टाइम कंपनी को रेवेन्यू के तौर पर रिसीव हो रहे हैं। अब दोस्तों साल दर साल यहाँ पे जो है गिरावट बड़ी देखने को नजर आई है। तो अभी टाइम यही दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव डेटा नजर आ रहा है जो शॉर्ट टर्म के अंदर रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों आग की नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।